नमस्कार, BCN न्यूज की खबरें सुपर फास्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। नागपुर महानगर पालिका के नाक के नीचे बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, ऐसा आरोप शिवसेना शहर प्रमुख नितिन तिवारी ने लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नागपुर महानगर पालिका का सिक्योरिटी गार्ड घोटाला उजागर करने के लिए मैंने एक वीडियो डाला था, जिसके बाद कई सुरक्षा कर्मियों ने मुझे इस संदर्भ में और जानकारी दी। द्वारा पैसे होने के बाद भी 11 चेक वापस भेजने जाने की जानकारी पीड़ित राजेश कालबाणे ने BCN समक्ष दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा किए गए इस व्यवहार के कारण उन्हें मानसिक तनाव और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सांसद छत्रपति संभाजी राजे भोसले इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर है। मराठा आरक्षण को लेकर जनसंवाद रैली के माध्यम से छत्रपति संभाजी राजे नागपुर आए। इस दौरान उन्होंने पत्र परिषद के दौरान पत्रकारों से संवाद साधा और मराठा आरक्षण के विविध मुद्दों पर चर्चा की है। शहर GRP ने मोबाइल चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर 3 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किए हुए 3 आरोपियों में आरोपी प्रियांशु उर्फ बाबू प्रतीक येगी, ये एक फुटबॉल खिलाड़ी है और साथ ही वो एक मूवी एक्टर भी है। किशोरी को बेवफा बताकर उसके साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल होते ही क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुट गई। तुरंत आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में पता चला कि वह लगातार किशोरी का शारीरिक शोषण भी कर रहा था। पाचपावली थाने में आरोपी युवक और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को विपक्षी दल भाजपा के 12 सदस्यों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। इस पर विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह सीधी सीधी मैन्युफैक्चराइज कराई है, जो कि विधानसभा में हमारे नंबर कम करने के लिए की गई है। OBC आरक्षण के मामले पर जानबूझकर भाजपा के 12 विधायकों को निलंबित किया गया है। भाजपा के किसी भी विधायक ने गाली गलौज नहीं की है। जो भी कुछ हुआ था हमारी गल से मांगी गई, उसके बावजूद निलंबित किया गया। BCN न्यूज के खबरें सुपर फास्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।